बंगाल विधानसभा में जमकर बवाल। बीजेपी टीएमसी विधायकों में हाथापाई। स्पीकर ने चलाया एक तरफा हंटर। पांच बीजेपी विधायकों का सस्पेंशन। बंगाल विधानसभा में लोकतंत्र शर्मसार हो गया। ऐसा हंगामा मचा, बवाल मच गया। धक्का मुक्की, हाथापाई, मारपीट, कपड़े तक माननीयों ने एक दूसरे के फाड़ डाले। स्पीकर पर विधायकों ने पन्ने फाड़कर उड़ा दिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को आखिरी दिन था। कुछ दिन पहले वीरभूम में हुई हिंसा पर बीजेपी ने सदन में चर्चा की मांग की। बीजेपी के मुताबिक जैसे ही सदन में उसके विधायकों की ओर से चर्चा करने को कहा गया, टीएमसी के विधायक आक्रामक हो गए। बीजेपी के विधायकों के मुताबिक टीएमसी के विधायक हाथापाई पर उतर आए। बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा और टीएमसी विधायक असित मजूमदार के बीच मारपीट हुई। इस झगड़े में असित मजूमदार घायल हो गए। असित मजूमदार की नाक पर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। इधर टीएमसी का आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी के उकसावे पर विधानसभा में तांडव मचाया गया, विधानसभा की गरिमा को तार तार किया गया, जिसके बाद टीएमसी के मुख्य सचेतक निर्मल घोष बीजेपी विधायकों के खिलाफ टीएमसी विधान में प्रस्ताव लाए। विधानसभा के अध्यक्ष विमान बैनर्जी ने विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में बीजेपी के पांच विधायकों को निलंबित कर दिया। बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, घोष, दीपक बर्मन और नरहरी महतो को स्पीकर ने निलंबित किया। मांगे न सुनी जाने और फिर निलंबन की कार्रवाई से बौखलाए बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा के बाहर सरकार और स्पीकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी विधायकों ने दावा किया कि उनके साथ मारपीट की गई और वेल में प्रदर्शन के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने धक्का दिया। प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि तृणमूल विधायक शौकत मोल्ला और अन्य महिला विधायकों ने विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर बीजेपी विधायकों पर हमला किया, जिसमें बीजेपी विधायक दल के सचेतक मनोज तिग्गा के कपड़े फट गए और टीएमसी विधायकों ने एमएलए नरहरी महतो को जमीन पर पटक दिया। बंगाल विधानसभा में हंगामे का एक वीडियो बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट किया। मालवीय ने लिखा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा। बंगाल के राज्यपाल के बाद टीएमसी विधायकों ने अब चीफ व्हिप मनोज तिग्गा समेत बीजेपी विधायकों पर हमला किया, क्योंकि वो रामपुर हाट हत्याकांड पर चर्चा की मांग कर रहे थे। ममता बनर्जी आखिर क्या छुपाना चाहती हैं? बीजेपी विधायक पहले बीरभूम हिंसा और अब विधानसभा में हंगामे के बाद बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इधर बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने आरोप लगाया कि जब से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, तब से बंगाल की राजनीति के स्तर में रोजाना गिरावट आ रही है। बीजेपी ने अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।